जौतुक लोभरे दिव्यांग झिअकु विवाह करिथिला लोभी मणिष जहाँ घरर ज्वाई करिवाकु जाउछंती से आगरु विवाहित एवं तांकर एक संतान थिबा कथा जानि नथिले झिअ घर लोक झिअर बापा बहुत खुशी थिले जे तांको दिव्यांग झिअकु केही जणे जीवन साथी रूपे चयन करिछि हेले से जानि पारि नथिले उपरु सुंदर देखा जाउथुबा जलाशय भितरे थिबा गोहर विषयरे विवाहर तीन मास परे निजर असल रूप देखाइछंती एही लोभी ज्वाई दिव्यांग महिला विवाह करी तांको निकटरु टंका पैसा सह बहु सुना अलंकार लुटी नैथिबा बळी संगीन अभिजोग आनिछंती एही महिला सुनंतु कोन कहउछंती से मो घर जगन्नाथपुर बछदा मो बा हेतिले बासदेवपुर मंदिर आदक्ष मंदिर रो से पिला मो बापा को फसेइगिरी कहला मो बा हेबी एते मोर डिमट होउछि माने जानि जौतुक माने दियो आ मु बाह रखी किसी दिन मो घर कम्प्लीट होगा पर आम नेबी आपको घर को न बोले कहकर मोर अध बाट सुना गहन आपर छाड़ी मत आसिक कौच मुझे थाना केस कली मुझे ये पिलाटा मो जीवन हाथ खेल खेला मो मो जीवन तो जहाँ कला कला मो सुना गहना नहींकर मो टा पैसा नहींकर ये थाना है बुझुनी आ मुझे थाना न बुझे आज मुझे आत्महत्या करमी ये रही जीवन के घर को से कहला कौन कहला हाउ ए घर पलिया घर पलिकी मो सुना गहना अद बाटर मत मारदे बोली भाभी कई सारे मुझे आसिक किसी दिन पर थाना एफआईआर देली थाना सिमिलिया थाना बुझुनि मुझे आज आई मैंने न्याय पाई जी मैंने केवे भी घर को ना धरवी नहीं मो सुना गहना से टोका भूत मत ये पलिटिक्स बेकई छाड़ी अद बाटर जाइए सूचना अनुसार बासुदेवपुर थाना अंतर्गत जगन्नाथपुर ग्रामर सुभाष मल्लिकों झी मेनका मल्लिक सहित सिमुलिया थाना अंतर्गत बाउरीपदा ग्रामर बरेन्द्र नायकों पुओ बनेशों वैदिक रीति से 2020 डिसेंबर 15 तारीख में एक मंदिर में बाहर होता बनेशों घर नहीं से झीओ घरे घर ज्वाई ही रोते तेरे सेठे तीन मस रे मार्च मसर बनेश स्त्री को नहीं घर को जीवा परिवर्ते स्वरर एक स्थान में गाड़ी अटकई मेनकों निकटर कानफुल सुना बड़ा चेन मुदी जोर कर छड़ाई नहीं पलायस जीवन मारिदे धमक देते परे मेनका कौनसी मते सेठारु जीवन बंचाई खसी पळै आसीथिले अन्यपटे मेनकार स्वामी पूर्वरु विवाहित थिबा बळे घरे तार स्त्री ओ गोटे पिला रहिछि हेले बनेश एवं तंको परिवार लोके दिव्यांग झिअर बापा को फसाई जौतुक बाबदे 50,000 टंका विभिन्न सामग्री नै द्वितीय विवाह करथिले एनै दिव्यांग झिअ सहित छळना एवं ता जीवन को बर्बाद कर देथिबा अभिजोग करिछन्ति परिवार लोके ए संपर्क में दिव्यांग महिला जनक सिमुलिया थाना रे अभियोग करथिले मध्य पुलिस एतला ग्रहण करिनथिबा दिव्यांग महिला जनक अभियोग करचंदी जदि सिमुलिया पुलिस उक्त महिलांक समस्या न बुझे तबे से थाना सम्मुखरे आत्महत्या करिवे बोली चेतावनी देइचंदी सिमुलिया रु प्रदीप दळेंग रिपोर्ट फ्री टू स्पीक 13